हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए एक ये बेबी हाफ स्वेटर लेकर आई हूँ। ये हाफ स्वेटर इस ऐसे बनाया हुआ है कि ऊपर से आप बच्चे को आराम से पहना सकते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा होता है उसे आप जो बंद वाला स्वेटर होता है वो नहीं पहना पाते हैं। तो ये मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का स्वेटर हाफ बनाया हुआ है जिसे आप बच्चों को जो है आसानी से पहना सकते हैं। अब ये देखिए, नॉर्मल बेबी वूल ली है और 10 नंबर की सिलाई से इसे मैंने बनाया हुआ है। बाकी आप ये देखेंगे, हार्डली 60 ग्राम में 60 ग्राम्स में बना हुआ है और बहुत आसानी से बन जाता है। तो चलिए आगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप इसे किस तरीके से जो है बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, बनाते हैं बच्चों का, छोटे बच्चे का बना रही हूँ। एक ड्रेस है, ओपन ड्रेस है, बच्चों को पहनाने में जैसे छोटे बच्चे होते हैं प्रॉब्लम होती है, तो ये ओपन ड्रेस दिखाने जा रही हूँ आपको। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लगती है, छोटी सी। अब इसमें देखिए, ये हमारी एक ही रो में बनेगी पूरी, ठीक है। ये फ्रंट से शुरू होकर बैक से बैक में ख़त्म होती है। अब इसमें मैंने फ्रंट में जो है 40 फंदे डाले हैं, नॉर्मल वूल ली है और 10 नंबर की सिलाई से इसे मैं बना रही हूँ। अब 40 फंदे डालने के बाद 1 2 3 4 5 6 12 लाइंस मैंने दोनों तरफ से, आप ये देखेंगे, दोनों तरफ से सीधी सीधी की है 12 लाइंस। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूँ वही आपको दोहराते हुए जाना है ऊपर तक, जब तक इसकी लंबाई पूरी नहीं हो जाती। अब पहले तो देखिएगा, ये 8 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 फंदे सीधे बनाएं। उसके बाद आपने देखिए करना क्या है, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। अब ध्यान से देखिएगा करूंगी क्या, धागा वापस पीछे करके इसे धागा आगे ऐसे रहने दूंगी। ध्यान से देखिएगा क्या करूंगी, अब मैं धागा आगे रख के इस तरीके से अंगूठा रखिएगा धागे पे, और ये दूसरा वाला धागा जो गोले में लगा है इसे आप बैक कीजिएगा पीछे। अब ये 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। बहुत ही आसान और बहुत सरल सा डिज़ाइन बता रही हूँ आपको, जो आप किसी भी डिज़ाइन के साइड में भी डाल सकते हैं और ऑल ओवर भी इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। अब देखिए, आपने धागा इस तरीके से किया। अब जो ये धागा है जो टाइट है, जो इस वाले फंदे के साथ लगा हुआ है, उससे आपने बनाना है। देखिएगा, 2 उल्टे, 1 और 1 2, ध्यान से देखिएगा। फिर ये जो धागा हमने बैक पे किया था इसे आपने खींच देना है। अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, फिर से यही करना है। ये धागा है, ध्यान से देखिएगा, इसे आपने ऐसे पकड़ना है और दूसरे वाले धागे को बैक पे ले जाना है। अब इस वाले फंदे में डालेंगे। अब जो ये टाइट है फंदे के साथ वाला जो धागा है, आप खींच के इसे थोड़ा ढीला भी कर सकती हैं। ये जो टाइट वाला है इससे आपने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 और 1 2। अब ये आपने खींच देना है, फिर 2 फंदे उल्टे। अब ये लास्ट के 8 फंदों तक हमें इसी तरीके से करना है, 2 फंदे उल्टे करने हैं और 2 फंदे हमें ऐसा डिज़ाइन बनाना है। इस तरीके से किया आपने, ऐसे थोड़ा सा खींच लेंगे धागे को। अब ये जो टाइट वाला साइड है वहाँ से आपने ये 2 फंदे उल्टे इस तरीके से बनाने हैं, फिर इसे खींचेंगे। अब अगेन 2 फंदे उल्टे, फिर से वही डिज़ाइन डलेगा, ऐसे करेंगे आप, रखेंगे इस तरीके से, इसे लेंगे और 2 फंदे उल्टे, अब इसे खींच देंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे करेंगे, अगेन डिज़ाइन डालना है, ऐसे रखा आपने, इसे लिया और फिर इसको आपने थोड़ा सा ढीला करके टाइट वाले साइड से 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर इसे आपने खींच देना है, अगेन 2 फंदे उल्टे, 2 2 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे फिर से देखिएगा डिज़ाइन डलेगा, ये आपने ऐसे किया, इसे खींचा, टाइट वाले साइड से 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, खींच लेना है
अब ये फंदे हमारे 8 जो है सीधे बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब ये लाइन तो आपने देखिए सीधी इसी तरीके से हमेशा करनी है, पलट के आपने उल्टी लाइन में क्या करना है, ये 8-8 फंदे सीधे बनेंगे और बाकी बीच के उल्टे बनेंगे। आप देख लीजिएगा, पहला फंदा उतारने के बाद 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 4, 2, 6, 7 और ये 8। ये तो हमारा साइड का है। धागा अपनी तरफ करने के बाद आपने ये उल्टा करना है लास्ट के 8 फंदों तक, सारे उल्टे बनाने हैं इस तरीके से। ये देखिए, अब यही डिजाइन हमें जो है बनाते हुए जाना है। दोबारा आपको एक बार और बता देती हूँ, यही चीज आपको ऊपर तक बनाते हुए जानी है। ये 8 फंदे तो हमारे साइड के हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब ये 2 फंदे उल्टे होंगे ऐसे, फिर यहाँ पे डिज़ाइन डालना है तो धागा यहीं रहेगा, इस तरीके से पीछे जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसे लेना है, इसे खींच के हमें ये 2 फंदों को ऐसे करना है, फिर आपने ये खींच देना है, अगेन 2 फंदे उल्टे, फिर वही डिज़ाइन डालेगा, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसे इस तरीके से करेंगे और खींच के इसे उल्टा बनाएंगे, को खींच देंगे आप, 2 फंदे उल्टे, अगेन डिज़ाइन डलेगा, ऐसे रखा आपने। अब ये पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करते हुए जानी है, उल्टी लाइन जैसे अभी बताई मैंने वैसे ही करेंगे और सीधी लाइन इस तरीके से करते हुए ऊपर तक जाएंगे। अब डिज़ाइन आप इसमें कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए इतना लंबा मैंने इसे बना लिया है, आप ये देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच के आसपास आया है। अब यहाँ पे हमने जो है एक बॉर्डर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमें गले की कटिंग करनी है, इसमें हम साइड्स की आर्म होल की कटिंग नहीं करते हैं। उसके लिए देखिएगा हम क्या करेंगे, अब ये जो डिज़ाइन है यहीं पर बंद हो जाएगा, इसे मैं डालूँगी नहीं और दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाती हुई जाऊँगी, कम से कम 12 या 14 लाइन्स। अब ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे इसे ऐसे, अब यहां पे हम डिजाइन नहीं बनाएंगे, इसे सीधा ही बनाएंगे ऐसे इस तरीके से। अब ये देखिए एक लाइन हमने सीधी कर ली, पलट के भी हमने यहाँ से सीधा ही बनाना है इस तरीके से। ये देखिए ऐसे हमने दोनों तरफ से सीधा सीधा कम से कम 12 या 14 लाइन्स अब बनाते हुए जाना है और उसके बाद हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। ये देखिए तो चलिए पहले इसे बना लेते हैं, दोनों साइड से जो है सीधा सीधा हम 12 या 14 लाइंस बनाएंगे।
अब देखिए बॉर्डर हमने बना लिया, ये देखेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 लाइंस ये हमने बनाया। अब करना क्या है, अब 12 फंदे पहले बनाऊंगी इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 12 फंदे आपने बनाए। अब सेंटर के 16 फंदे मैंने बंद करने हैं, ये देखिएगा, ये बनाया आपने, फिर सेकंड बनाया, ये वाला आपने इसके ऊपर से उतार दिया, 1 अगेन बनाया, 2 इस तरीके से आपने 16 फंदे बंद करने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। यहाँ पे देखिए 12 फंदे होंगे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब हमें इन 12 फंदों को सीधे बनाना है, अब ये देखिएगा इस तरीके से आया है, ये हमारा सेंटर का गला बन गया। अब ये 12 फंदे यहाँ, 12 यहाँ, ये शोल्डर के फंदे हैं। अब इन्हें हमें दोनों तरफ से सीधा बनाते हुए जाना है, दोनों साइड को, पहले इसे बनाइएगा फिर इसे बनाइएगा, 24 लाइंस एटलीस्ट, 24 लाइंस हमने दोनों तरफ से सीधे सीधे बनाते हुए जानी है, टोटल में 24 लाइंस, यहाँ भी और यहाँ भी, जैसे हम सीधा बनाते हैं उसी तरीके से आपने जो है इसे बनाना है, ऐसे भी देखिएगा इस तरीके से आपने बनाते हुए जाना है सीधा सीधा। ये बनाया आपने पलट के फिर से सीधा, आप पहले एक साइड कंप्लीट करेंगे एंड देन अदर साइड, 24 लाइंस टोटल में, 24 लाइनें टोटल में हमें जो है इसे बनाते हुए सीधे सीधे जाना है। अब ये देखिए, अब मैंने दोनों तरफ से जो है 24 लाइंस बना ली है, टोटल में 24 लाइन है, आप अगर ये गिनेंगे लाइंस तो ये 12 आएंगी, यानी कि टोटल में 24 लाइंस, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। आप देखिएगा आपने करना क्या है इसके बाद, अब पहले तो हम ये 12 फंदे जो हमारे हैं बनाएंगे, जैसे बनाते हैं इस तरीके से, ये बनाया आपने 12 फंदे। अब हमें यहाँ पे फंदे डालने हैं, जितने हमने ये फंदे 16 बंद किए थे उतने ही फंदे यहाँ पे डालने हैं। वैसे तो मैं फंदे डालना बता चुकी हूँ अपने चैनल पे, यहाँ पे मैं फिर भी एक अलग तरीके से थोड़ा सा बता रही हूँ, उसे देखिएगा। ये जो धागा है आपने ऐसे रखना है, इसमें आपने इस तरीके से बनाना है, देखिएगा ये एक फंदा बना, इस पर ले लीजिएगा, 1 अगेन उसमें डाल के ऐसे किया आपने, उतार दिया, 2। अब आपने इस तरीके से जो है 16 फंदे करने हैं, ये 3, ये 4, 16 फंदे आपने इसी तरीके से बनाने हैं, ये देखिए 16 फंदे मैंने इस तरीके से डाले हैं। अब आपने वापस पलटना है इसे ऐसे, और ये जो हमारे 12 फंदे थे ये भी इसमें हमने लेने हैं, ये देखिए अगेन हमारे पास जितने फंदे यहाँ पे थे उतने ही फंदे हमारे पास यहाँ पे
आ गए। चालीस फंदे थे, देखिएगा आप फिर से ये 12 फंदे आपने इस तरीके से लेने हैं। इस पर टाइट कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ से ऐसे, अब देखिए इस तरीके से आपने 16 फंदे डाल के बना लिए। अब हमें इसका, जैसे हमने यहाँ पे 12 लाइंस का बॉर्डर बनाया था सीधे सीधे का दोनों तरफ, वही हमने यहाँ पे भी उसी तरीके से दोनों तरफ सीधे सीधे बनाना है। इस तरीके से आपने सीधा बनाना है दोनों तरफ से, 12 लाइंस टोटल में सीधी सीधी की करनी है। अब आप ये देखेंगे, देखिए ये मैंने यहाँ पे जो है 12 लाइंस का बॉर्डर बनाया, इसके बाद जो है मैंने 8 फंदे सीधे बॉर्डर बनाया है यहाँ पे। ये बीच में जो है फंदे ये है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 फंदे बीच में हैं इस तरीके से, और ये 8 फंदों का बॉर्डर है, यानी कि ये 8-8 फंदे स्टार्टिंग और एंड में मैंने दोनों तरफ से सीधे बनाए हैं, और ये फंदे सीधे तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बनाए हैं। इस तरीके से आप ये देखेंगे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 16 लाइंस कर चुकी हूँ। अब इसके बाद हमें साइड्स में बढ़ाने हैं। बढ़ाने किस तरीके से थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। अब जिसके लिए भी आप बना रहे होंगे, ये तो मैं बहुत छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ, आपने इस तरीके से रखना है। देखिए ये बैक साइड यहाँ पर थोड़ा ऊपर को आएगा और फ्रंट थोड़ा गला नीचे को जाता है, इस तरीके से होता है आप देखेंगे। अब आपने ये देखना है कि ये आपका कहाँ तक पहुँचा है। तो देखिए यहाँ जो है इतना आ गया, तो इतना जो है आर्म होल बच्चे के लिए बहुत होता है, छोटे बच्चे के लिए। अब मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसे मैं पूरा बनाऊँगी। तो देखिए बढ़ाना किस तरीके से है। अभी आप ये देखिए यहाँ पर आपने ये कर रखा है, यहाँ पर अब हमने पहले फंदे 14 फंदे डालने हैं। अब फंदे कैसे डालूंगी ये देखिएगा, जैसे पहले बताया है उसी तरीके से करूंगी। आपने ये पहले वाले पे डाल के ऐसे किया और इसे उतार दिया, एक दोबारा देख लीजिएगा, इसमें डाला आपने, इसे बना के निकाला, इसे उतार दिया, दो तीन चार पाँच छः 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो 14 फंदे आप ये देखेंगे इस तरीके से मैंने यहाँ पे बढ़ाए हैं। अब ये सारे फंदे पहले मैं सीधे बनाऊंगी और यहाँ पे अगेन फिर से 14 फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले इसने हम इस तरीके से आप ये देखेंगे ऐसे सीधा बनाते हुए जाएंगे सारे फंदे इस तरीके से। अब ये देखिए ये हम एंड तक आ गए, यहाँ पे भी 14 फंदे बढ़ाने हैं आपने पलट के, यहाँ पे पहले हमें 14 फंदे बनाने हैं, बढ़ाएंगे उसी तरीके से। देखिए एक ऐसे किया आपने, इसे उतारा, दो तीन
अब ये देखिए यहाँ से भी मैंने ये 14 फंदे जो है बढ़ा दिए, यहाँ से भी 14 फंदे बढ़े हुए हैं। अब आपने ये 14 और ये 8 फंदे सीधे बनाने हैं, यानी कि 22 फंदे हमें सीधे बनाने हैं इस तरीके से, उल्टी साइड में 22 फंदे सीधे बनाएंगे, एक इस तरीके से, अब ये देखिए 22 फंदे हमने सीधे बना लिए, धागा अपनी तरफ करके 24 फंदे उल्टे बनाएंगे, ये देखिए अगेन 22 फंदे सीधे बनाएंगे धागा आगे करके ऐसे। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 68 फंदे हैं, 22 यहाँ पे, फिर 24, फिर 22। अब मैंने क्या करना है, इसे बनाते हुए जाना है, सीधी लाइन तो पूरी सीधी करूँगी, उल्टी लाइन में यहाँ 22 फंदे सीधे, फिर 24 फंदे उल्टे, फिर 22 फंदे सीधे बनाऊँगी, और इसकी जो लंबाई है वो मुझे अब इसकी पूरी करनी है। अब देखिए ये इस तरीके से अगर मैं रखती हूँ इसे, ऐसे आएगा। अब मुझे जो यहाँ तक, जहाँ तक मैंने बॉर्डर बनाया है वहाँ तक इसकी लंबाई लानी है, उसके बाद ये बॉर्डर जितना है उतना बॉर्डर मैंने इसमें बनाना है। तो चलिए पहले इसे हम बना लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। सीधी लाइन में आप पूरी सीधी बनाएंगे और उल्टी लाइन में 22 सीधे, 24 उल्टे, 22 सीधे, इस तरीके से आपको इसे जो है दोहराते हुए अब जाना है नीचे तक। आप ये देखिएगा इस तरीके से आप पूरी लाइन सीधी करेंगे, अब आप ये देखिए ये ऐसे इस तरीके से मैंने इसे बना लिया है। अब देखिएगा आपने देखना कैसे किस तरीके से है ये, कि ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि नीचे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 12 लाइंस का बॉर्डर भी बनाना है। तो आपने इस तरीके से रखना है इसे, ये देखिएगा ऐसे, यहाँ पे जो ऊपर का पोर्शन है कम से कम इस तरीके से आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और ये आया देखिए, ये मेरा पूरा हो गया। अब जस्ट मैंने इसका बॉर्डर बनाना है, अब हम क्या है इसका बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ पे बॉर्डर दोनों तरफ से सीधा सीधा जो है हमने
12 लाइंस का करना है, ऐसे दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाना है, इस तरीके से। जैसे मैंने ये बॉर्डर बनाया है आप ये देखेंगे, इसी तरीके से हमने जो है इसका दोनों तरफ से सीधा सीधा करके 12 लाइंस बनानी है, और उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप बटन कहाँ पे लगाएंगे, और ये आपका जो है बच्चे के लिए तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए पूरी लाइन सीधी बनाई है, ये हम उल्टे में है, यहाँ भी हम पूरी लाइन सीधी बनाएंगे इस तरीके से। अब ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गया है, और ये मैंने इसमें बटन लगा लिए हैं। ऊपर वाले हिस्से पे काज बनाया था, काज किस तरीके से बनाया जाता है मेरे चैनल पे ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ नीचे बटन्स लगाए हैं, ये बैक साइड इस तरीके से आप देखेंगे बंद कर दिया ये बना के बॉर्डर, और फ्रंट इसका ये है, और इस तरीके से ये काज बने हुए हैं। यहाँ पर बटन लगाया, तीन बटन लगाए, इसी तरीके से यहाँ पर भी तीन लगाए हैं नीचे, और इन्हें इस तरीके से आप बंद करके बना देंगे। तो आपका जो है ये बच्चे का हाफ स्वेटर ऊपर से जैसे डाला जाता है वो तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे लुक आता है इसका, देखिए। चलिए फिर आप बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।